ये देखिए सिंपल, हमको ना ये सेम टू सेम डिजाइन चाहिए, एकदम यही वाला कटिंग। तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है? तुम लोग तो साड़ी लेके आने वाले थे ना, ये क्या है? और ऐसी घटिया डाउन मार्केट डिजाइन दिखा रही हो तुम मुझे? अरे इज्जतदार घरों में ना ऐसे ही ढका छिपा डिजाइन चलता है। आप जो ये खुला खुला पहने ना हवादार डिजाइन वाला ब्लाउज, ये सब नहीं चलता हमारी सोसाइटी में। What nonsense? क्या खराबी हमारे ब्लाउज के डिजाइन में? आपकी ये डिजाइन ना, आपको ही मुबारक। हमने जैसा दिखाया है हमको वैसा ही डिजाइन चाहिए, वैसी ही कटिंग चाहिए। तुमको हमसे कटिंग चाहिए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? बाहर निकलो यहाँ से। ये कैसी बात कर रही है कस्टमर से? तमीज नहीं है का? ये हाफ कटिंग ब्लाउज पहन के ना अपने आप को मुंबई की हीरोइन समझने की भूल ना करना। अरे ओ निकलो वहां से। बुनिया बाहर निकलो लोगों, गेट आउट। चलो निकलो यहाँ से, हमारी मैडम जी से जबान लड़ाने का हिम्मत कोई नहीं कर सकता। चलो निकलो यहाँ से, चलो। बुलबुलिया रुको, देखो आप माफी मंगवाना चाहते थे ना, ये खुद ही आ गई। अब हम इससे कैसे माफी मंगवाते हैं आप देखना। बुलबुलिया इधर आना। इधर आओ बुलबुलिया, इन्हें जानती हो? ये निर्मला जी है, विशेष की मम्मी, जिनकी तुमने बेइज्जती की थी पार्टी में शराब पी के। मिश्रा जी से तो तुमने माफी मांग ली, लेकिन निर्मला जी अभी भी नाराज है। हम इन्हें बता रहे थे कि बुलबुलिया बहुत अच्छी लड़की है, उस दिन शराब के नशे में थोड़ी बहक गई थी और उसने जो कुछ भी किया उसके लिए उसे बहुत अफसोस भी है, और सुबह सुबह आके उसने मिश्रा जी से माफी भी मांगी। इन्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहे थे, तो तुम एक बार सॉरी बोल दो बस। सॉरी? किस बात के लिए सॉरी कहूँ? हाँ, इन्होंने हमारी माँ को जो कुछ भी कहा था हमने बस उस बात का जवाब दिया था, और इनके बेटे के बारे में हमने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। इनके बेटे ने हमारे खिलाफ देख ले ललिता जी इसका तेवर। हा? अरे उस दिन पार्टी में कोनो कसर रह गया था का, जो आज फिर से बुला करके बेइज्जती करा रही है? अरे निर्मला जी ऐसी कोई बात नहीं है, हमने आपसे कहा था ना कि रंजो ने अपनी बेटियों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि अगर गलती हो जाए तो माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। संस्कार? बुलबुलिया निर्मला जी तुमसे बड़ी है, उनसे माफी मांग लो, माफी मांगो और बात खत्म करो बस।